स्वागत है तहसीन आपका, और हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, आपकी पार्टी तो गजब ही है भाई। मेरी पार्टी सिर्फ IBN नेटवर्क 18 है और मैं रूबिका की पार्टी में हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। एक तो आप भी ना इतना मैं क्लियर कर दूं, गजब ही यू टर्न ले रहे हैं आप। मैं कह रही हूँ, अब मतलब मुझे एक बात समझाइए आप। 3 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। लेकिन तहसीन भाई ये बताइए ना, ये कांग्रेस अजय माकन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गौरव भाटिया याद है ना आपको, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के 100 करोड़ का घोटाला करके गोवा में हमें हराने के लिए ये भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, और कल ये सबके सब वहां पर उदित राज, अरविंदर लवली, संदीप दीक्षित, जिनकी माँ का नाम ले लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचार का पुतला, भ्रष्टाचार का पुतला। क्या क्या पार्टी है ये? क्योंकि रूबिका जी, एक तो थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और कांग्रेस ने आरोप लगाया, बिल्कुल सही आरोप लगाया कि यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ गलत करते हुए, जो व्यक्ति अरेस्ट होता है गलत करते हुए, 10 नवंबर को अरेस्ट होता है ईडी द्वारा, वो भाजपा को 5 करोड़ का चंदा देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 15 नवंबर को या 13 नवंबर को, और उसके बाद ईडी उसको अक्यूज से अप्रूवर बना देती है और अपने एक पॉलिटिकल ओपोनेंट यानी भाजपा के पॉलिटिकल ओपोनेंट का वो नाम लेता है। ये सबसे पहली बात। रूबिका जी, दो मूल प्रश्न उठते हैं, क्योंकि गौरव भाई बहुत अच्छे वकील हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ईडी के केस में एकाध कोई केस हो गया, दो केस है दरअसल, आपको बेल नहीं मिल सकता। तो ये बार बार जो भाजपा वाले कहते हैं कि बेल क्यों नहीं मिलता, नहीं मिल सकता, क्योंकि ईडी के जो प्रोविजन है इतने ड्रकोनियन है कि आप दोषी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हो। हाँ। और बेगुनाह साबित करने के लिए जब आपको बेल की जरूरत होती है, आप फैक्ट्स ऑफ द केस में जाते नहीं हो, तो आपको बेल नहीं मिलता, दो केस में मिले। ईडी इस तरह की हरकतें करता है रूबिका जी, कि किसी को एक केस में समन करते, अगर उसको एंटीसिपेटरी बेल मिली उसको दूसरे केस में अरेस्ट करता है, ये बात हुई है ईडी द्वारा। और तीसरी चीज, जो ड्रकोनियन कानून है जिसके खिलाफ हम सबको बोलना चाहिए, चाहे कोई गलत हो या ना हो, रूबिका जी आज ईडी में कॉपीराइट भी आ गया। ये ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, एक व्यक्ति को आप 9 बार समन करते हो अरविंद केजरीवाल जी को, हाँ। आप उसको यही नहीं बताते हो कि आप विटनेस हो या अक्यूज हो। रूबिका जी, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, तो ईडी ने बता दिया ना। तो ये गलत हो रहा है ना, अगर वो पहले से अक्यूज थे तो ईडी बता देती, वो पहले दिन पे हाजिर हो जाते, 9 बार आप कहते हो आप उसको बताते नहीं हो। ईडी कहती है कोर्ट में, गौरवार 2 मिनट लूंगा फिर, ईडी कहती है कोर्ट में, हम पुलिस नहीं है, वो कोर्स करती है, आप जानते हो और आपके दर्शक जानते हैं। अगर आप पुलिस के सामने कोई, गौरव आप दोनों को रोकना चाहूंगी, कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो इस वक्त सुनवाई चल रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट किया गया है, ईडी कह रही है बड़ी संख्या में फोन नष्ट किए गए हैं, धन जुटाने के लिए आबकारी नीति बदली गई है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रांत, कितनी देर और उसके बाद क्लैरिटी मिल जाएगी, कितने दिन की कस्टडी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए रूबिका, कस्टडी तो मिलेगी क्योंकि ईडी का केस है, ईडी एक्यूज को लेकर आई है, 10 दिन का रिमांड मांगा है, तो हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे, वो अलग बात है, लेकिन रिमांड मिलेगा जो मेरी कानूनी समझ कहती है। दूसरी बात, क्यों ईडी ने ये कहा है कि इस केस में कई बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो हैं वो नष्ट किए गए हैं, उसके बावजूद ईडी ने बहुत अच्छी जाँच की है। उससे भी बड़ी खबर मैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को देना चाहूँगा कि ईडी ने अभी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में, क्योंकि पहले ईडी ने अपनी बात कही जो हमने टीवी के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाई चैनल के जरिए, और उसके बाद बचाव पक्ष ने अपनी दलील रखी, अब एएसजी राजू अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स रख रहे हैं, इसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा मुझे लगता है कुछ देर के लिए, और उसके बाद कावेरी बवेजा जज अपना फैसला सुनाएंगी। अभी ईडी ने यह कहा है कि हमने इस केस में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया है, उन्होंने 9 जो उनको सम्मन किए गए थे उसकी अवहेलना की थी, इस आधार पर गिरफ्तारी नहीं हुई है बल्कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तारी की है, और जो उनके खिलाफ सबूत मिले हैं इस मामले में उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत लंबी बहस चली है, गौरव भाई बड़े वकील हैं, आमतौर पर जब पहली बार रिमांड के लिए कोई एक्यूज आता है तो इतनी लंबी हियरिंग नहीं चलती, 2 बजे से
सुनवाई चल रही है और अब करीब करीब 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे की हेयरिंग हो चुकी है रिमांड पर। तो दोनों पक्षों ने, हालांकि ईडी ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि बचाव पक्ष की तरफ से 3 वकीलों ने जिरह की, 3 वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें सामने रखी। बहरहाल अब कुछ देर में मुझे लगता है ईडी के, क्योंकि क्लोजिंग रिमार्क चल रहे हैं, अब यह मामला थोड़ी देर में कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कर लेगा और उसके बाद आधे पौने घंटे बाद अदालत का फैसला इस मामले में सामने आ जाएगा। हर्षवर्धन जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, उससे पहले 30 सेकंड में गौरव भाटिया, आप तो बकायदा वकील भी हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कस्टडी को लेकर, रिमांड को लेकर 3 घंटे की बहस चली हो, अरविंद केजरीवाल की तरफ से बकायदा 3 वकील आए अलग अलग जिरह की। अच्छा, एक लाइन तहसीन बोलना चाहते हैं, उसके बाद गौरव भाटिया। हर्षवर्धन जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। ये पूरे केस में ईडी के एक लाइन पे आप गौर फरमाइए रूपिका जी। ईडी कहती है हम एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इसलिए जेल में रखना चाहते हैं, सुनिए इस चीज को, क्योंकि हमें मनी ट्रेल रिकवर करना है। यानी कि आपके पास मनी ट्रेल नहीं है, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है। हाँ। और आप और लोगों को जेल में डाल रहे हो। मनी ट्रेल रिकवर करना है, इस लाइन पर भी सफाई दे दीजिएगा गौरव भाटिया, संक्षेप में। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ, आपके सवाल का उत्तर भी है और दर्शकों के लिए भी ये जो है बहुत जरूरी है जानना। 3 घंटे बहस चली, बिल्कुल ये बहुत कम होता है कि रिमांड का मामला हो, 3 घंटे तक बहस हो, लेकिन ये अच्छा है। मैं रूबिका जी इसलिए कहता हूँ, ये अच्छा है कि कोई मलाल ना रहे अरविंद केजरीवाल के मन में कि न्यायालय ने उनको पूरा मौका नहीं दिया, इसलिए बहुत अच्छी बात थी। दूसरी, 3 वकील आए, बड़े मामलों में अक्सर होता है, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, कई बार 3-4 वकील भी बहस करते हैं, न्यायालय जो है ये तय करता है कितने वकील बहस करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात जरूर बता सकता हूँ कि जिस तरह के साक्ष्य सामने आए हैं, जो बता दूं कि शराब नीति के गठन में अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका थी। एक, रिश्वत के 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ, रिश्वत लेकर शराब नीति बदली गई है, मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में हैं और संजय सिंह 4 महीने से जेल में हैं। हाँ। ये भी तथ्य हैं। इसको देखते हुए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये होली जेल में बीतेगी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ, और आगे कोई आसान डगर नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, ये मैं अपने विधिक अनुभव से बता रहा हूं। एक बात मैं तहसीन की बात का उत्तर दे दूं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं तहसीन, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि ईडी के मामलों में बेल नहीं मिलती है, तो मैं बताता हूं, अच्छे वकील जब होते हैं और मामला जब ज्यादा आधार पे नहीं बेस्ड होता है, तो डीके शिवकुमार, पी चिदम्बरम, अनिल देशमुख और संजय राउत, 4 नाम तो मैंने आपको बताया। डीके शिवकुमार का तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। ओके। बेल होती है। हाँ। इसके मैं कह रहा हूँ, जब बेल नहीं हो रही, इसका मतलब तो आपकी मामला बात बहुत ना मानी है, जाए जान लीजिए, तो आप कहते हैं कि ड्रैकोनियन है मामला, मान लिया जाए तो आप कहते हैं कि बिल्कुल, मैं तो मान रहा हूँ हुआ है। रूपिका जी सुनिए, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ईडी के आपको पूरे ईडी के केसेस में जितने हजारों केस है, 10 या 12 केस मिलेंगे जिसमें से 3-4 का जिक्र। और इस वक्त बड़ी खबर आ गई, अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यानी जिरह खत्म हो गई है। 2 बजे ये जिरह शुरू हुई थी, कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।